सुहाग सुक्रमाचर मैं सूरज, आप देखने कैसा सपोर्ट। आजकल मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरीके के एरर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि ओपन नहीं होती है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे देखते हैं ये 100% सिक्योर है ये वेबसाइट, और ये मेरी वेबसाइट है। और जहाँ कहीं भी आप अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस पर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके का एरर जो कि 100% शो करने को मिल रहा होगा। सो आज हम स्टूडेंट में बात करेंगे किस तरीके से इस तरह के एरर को फिक्स करेंगे। अगर कनेक्शन जो कि सिक्योर है, हर एक चीज़ सिक्योर है, तो भी इनकरप्टेड दिखा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है आपकी वेबसाइट और जो कि वो लोड हो रही है लेकिन ओपन नहीं हो रही है, तो आप उसको किस तरीके से फिक्स करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। और मैं आपको सिंपल सा तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर हम बात करें तो हम वर्डप्रेस पे, ये वेबसाइट है मेरी और ये अभी फिलहाल लोड नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ कुछ कोई भी चीज़ें मैं यहाँ से ओपन करता हूँ वो चीज़ें अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वर्क करता है और यहाँ पर नेट भी है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये लोड नहीं होता। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, आप जो है कि यहाँ पर 3 डॉट मिल जाएगा जहाँ कहीं भी जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं। सपोज करिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र को, अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेम एज इट इज़ इसी को फॉलो करना है, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बार बार ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद अब हम इसको फिक्स करके दिखाएंगे। तो सिंपली ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर ब्राउज़र डाटा। और देखिए इसी की वजह से इशू होती है, अगर हम बात करें डेफिनेटली मेजर इशू अगर हम बात करें तो इन्हीं वजह से होती है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पर ब्राउज़र हिस्ट्री और यहाँ पर कुकीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें कैचेस, तो आपको ब्राउज़र हिस्ट्री क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कुकीज़ है और अगर हम बात करें डाटा है साइट का वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे कैचेस हैं, देख सकते हैं कितने सारे हैं। इसको जो कि ऑल टाइम कर देना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ना तो आपको लास्ट आवर करना है ना ही आपको 24 आवर, आपको ऑल टाइम करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना, और जैसे आप इसको क्लियर डाटा पे क्लिक करते हैं ये आपकी जो कि डाटा को जो भी कैचेस हैं, अगर हम बात करें जो कुकीज़ हैं हमारी वेबसाइट में आ जाती हैं, वो सारी सारी चीज़ें, उस सारी चीज़ों को ये रिमूव कर देगा। और उस जैसे ये रिमूव कर देता है अगर हम बात करें, उसके बाद जो कि आप अपनी वेबसाइट को एक बार फिर से लोड करिएगा, 100% ये जो कि वर्क करेगा, 100% काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 100% आपकी वेबसाइट हो वो 100% ओपन हो जाएगी, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट हो जो लोड नहीं ले पा रही, ओपन नहीं हो रही है, वो भी ओपन हो सकती है। लेकिन सपोज करिए अगर उसमें वर्डप्रेस में ही इशू है, वो जो है कि वेबसाइट अच्छी तरीके से अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुई है, कोई इशू है उसके अंदर बहुत बड़ा, अगर उससे इसके अलावा अगर कोई इशू है तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा ये मेथड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इशू नहीं है, पहले आपकी वेबसाइट जो कि ओपन होती थी आपके ब्राउज़र में, अब ओपन नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम करेगा। तो सिंपली हमने क्लियर कुकीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे क्लियर कुकीज़ हो जाता है, उसके बाद जो सिंपली आपको यहाँ पे रिलोड करना है, और जैसे आप रिलोड करते हैं उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है कि यहाँ पे ओपन हो सकती है। हो सकता है आपकी वेबसाइट लोड ले और जो है कि ओपन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ओपन हो जाएगी, ये 100% मेथड काम करेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर जो कि यहाँ पर काम चल रहा है, जैसे ये कुकीज़ को रिमूव कर देता है उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे ये रिलोड हो गया, पहले तो रिलोड नहीं हुआ, फिर उसके बाद देखते हैं ये रिलोड हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुकीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो देखते हैं ये रिलोड हो चुका है, और रिलोड होने के बाद देखते हैं ये वेबसाइट जो कि शो होना शुरू कर दी है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप जो कि यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी है कुकीज़ जो कि डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप अपनी वेबसाइट में काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइटों को विजिट करते हैं जिसकी वजह से ये इशू जो कि सामने निकल के आती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि वेबसाइट की कुकीज़ जो कि डिलीट हो चुकी है, हर एक चीज़ यहाँ पे हट चुका है, और अब हमारी वेबसाइट जो कि 100% रिलोड होने के लिए तैयार है। मैं जितनी बार भी इसको रिलोड करूँ ये जो कि यहाँ पे रिलोड होकर आ जाएगी, और यहाँ पे सब कुछ जो कि एज इट इज़ एड्स वगैरह हर एक चीज़ जो कि शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट जो कि 100% वर्क करना शुरू कर दिया है। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके से आप किसी वेबसाइट को फिक्स कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक ले थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।